हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फोर क्लास 8, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14th ऑफ दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पिछले वर्कशीट में भी हमने इसी चैप्टर के बारे में पढ़ा था। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सो निषेचन क्या है बेटा, हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था निषेचन क्या होता है। निषेचन वह प्रक्रिया है जहां नर और मादा युग्मक मिलकर एक जो है क्या करते हैं, एक नई संरचना बनाते हैं, जिसे हम युग्मनज के रूप में जानते हैं, जो अंततः किसमें विकसित हो जाता है, भ्रूण में विकसित हो जाता है। ठीक है। सो पशु में निषेचन की प्रक्रिया के दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन से होते हैं, एक जहां निषेचन बाहरी रूप में होता है और जहां शुक्राणु अंडे का संलयन जो है वो महिला शरीर के अंदर होता है। तो बेटा हमने ये भी पढ़ा था ना, बाहरी निषेचन हमने पढ़ा, आंतरिक निषेचन हमने पढ़ा कि बाहरी निषेचन जो है वो मेनली जलीय जीवों में होता है। ठीक है। आंतरिक निषेचन वो मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, इन सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। सो जहां निषेचन बाहरी रूप से होता है और शुक्राणु अंडे का संलयन कहाँ होता है, महिला शरीर के बाहर होता है, जिसमें हमने देखा था कि मछली जो है, जो मादा मछली है वो अंडे जो है वो छोड़ती है और नर जो मछली है वो शुक्राणुओं को छोड़ती है, तो वो क्या था, वो बाहरी निषेचन था। और दूसरा कौन सा है, जहां शुक्राणु अंडे का संलयन जो मादा है उसके शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य में होता है, तो यह आंतरिक निषेचन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए, इस आधार पर जानवरों को अंडप्रजक और जरायु जानवरों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस आधार पर जो है अंडप्रजक और जरायु दो भागों में बांटा जा सकता है। तो नाम से ही आप याद कर सकते हो बेटा, अंडप्रजक यानी जो अंडे देने वाले होंगे, तो ये जानवर अंडे देने वाले होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है लेकिन भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता है। तो ये जो जानवर होते हैं ये अंडे देते हैं, आंतरिक इनके अंदर निषेचन होता है, लेकिन जो निषेचन होता है वो तो आंतरिक ही होता है, यानी मादा युग्मक और नर युग्मक का जो संलयन होता है वो तो शरीर के अंदर होता है, लेकिन जो जो भ्रूण बनता है यानी जिससे नया जो जीव जो है वो बनेगा संलयन होने के पश्चात, वो बाहरी साधनों से होता है। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। उदाहरण पक्षी, मेंढक, मछलियां। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखिए निषेचन तो शरीर के अंदर हो गया। ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें पक्षी है, मेंढक है, तो इनके अंदर क्या होता है, जो निषेचन है वो तो शरीर के अंदर होता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो भ्रूण है वो इस भ्रूण कहाँ होगा, वो इस अंडे के अंदर विकसित होता है। और जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो वो क्या होगा, वो टूट जाता है, अंडे का जो कठोर आवरण है वो टूट जाता है, और जो ये कठोर आवरण है ये भ्रूण को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है जरायुज। संतान को जन्म देने वाले जानवरों को जरायुज जानवरों के रूप में जाना जाता है। तो जो संतान को जन्म देते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, ये सब क्या है, ये संतान को जन्म देते हैं, तो इनको हम जरायुज कहते हैं। निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों महिला शरीर के अंदर होता है। उदाहरण जैसे कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य आदि। अब हम दोनों में अंतर को समझेंगे। देखिए यहां से करेंगे तो यहां पर दिया गया है आधार, अंडप्रजक और जरायुज, तो दोनों में अंतर हम करेंगे। अर्थ देखिए, नंबर एक है अर्थ। अंडप्रजक कौन से होते हैं, अंडप्रजक वे होंगे जो अंडे देते हैं। जरायुज कौन से होंगे, जो युवा को जन्म देते हैं। निषेचन बाहरी और आंतरिक दोनों हो सकता है, जो है किसके केस में, अंडप्रजक के केस में, बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है, लेकिन जो युवा को जन्म देते हैं वो केवल आंतरिक होंगे। नेक्स्ट है भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति। तो देखिए अंडप्रजक जो है, भ्रूण को अंडे की जर्दी जो होती है उससे पोषक तत्व मिलते हैं, और जरायुज में भ्रूण को मां से ही पोषक तत्व मिलते हैं, क्योंकि जरायुज में जो भ्रूण है वो गर्भ में ही विकसित होता है, इसलिए मां से ही उसको पोषक तत्व मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर चार, जीवित रहने की संभावनाएं। चूंकि बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अंडप्रजक के अंदर बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं,
तो इसमें ऐसे में होता है कि अंडा जो है वो टूट भी सकता है, तो इसकी जो आप कह सकते हो जीवित रहने की संभावनाएं वो जो है जरायुज के कंपैरेटिवली कम होती हैं। लेकिन जो जरायुज है उसमें पोषण और देखभाल माँ द्वारा प्रदान की जाती है, तो इसके अंदर जीवित रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि अंडे के केस में तो वही है कि जैसे पक्षी के अंडे होते हैं, उनको कभी कोई पक्षी दूसरा पक्षी भी खा जाता है या वो टूट भी सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो इसीलिए अंड प्रजक के अंदर जीवित रहने की संभावनाएं कम होंगी, और जरायुज के अंदर जो नया जो बच्चा बनेगा, ठीक है, पैदा होगा, उसकी जो संभावनाएं हैं जीवित रहने की वो ज्यादा होंगी। नेक्स्ट देखिए उदाहरण है, इसके अंदर हम अंड प्रजक में उदाहरण लेंगे, मछली, उभयचर, कीट, पक्षी और सरीसृप। तो ये क्या होंगे, ये जो है अंड प्रजक के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट देखिए जरायुज में हम किसका उदाहरण लेंगे, मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्लियां, ये सब क्या है, ये जरायुज के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, अंड प्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व जो है वो कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो अंड प्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व जो है कैसे मिलते हैं, तो ये आंसर आप लिख लेंगे बेटा, भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सो बेटा यहां से यहां तक आप लिखेंगे आपका प्रश्न एक का उत्तर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न दो, अंड प्रजक और जरायुज जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बेटा बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है ये टेबल, और बहुत आसान भी है याद करना, और जो है आपको साथ साथ याद भी हो गया होगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है अंड प्रजक अंडे देने वाले, जरायुज युवा को जन्म देते हैं, बाहरी आंतरिक निषेचन हो सकते हैं, बहुत आसान है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। तो ये आपका प्रश्न दो का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न तीन है, प्रश्न तीन क्या है, निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार या जीवक के रूप में वर्गीकृत करें। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है कि किसमें जो है अंडे दिए जाते हैं, कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा नए जीव को उत्पन्न करता है। तो देखिए कीड़े, कीड़े जो है ये क्या हो जाएगा, ये जो है अंड प्रजक हो जाएगा, कीड़े हो जाएगा अंड प्रजक। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं कर रही हूँ, ये देखिए अंड प्रजक, अंड प्रजक कौन से हो जाएंगे, अंड प्रजक हो जाएंगे कीड़े। ठीक है, और क्या होगा अंड प्रजक यहाँ पे, मछली। ठीक है, मछली भी बेटा क्या है, अंड प्रजक है। तो ये दो जो है अंड प्रजक हो जाएंगे। और अगर हम जरायुज की बात करें तो बाघ और इंसान, तो यहाँ पे जो है हम लिख रहे हैं जरायुज, जरायुज में जो है क्या होगा, जरायुज में हो जाएगा बाघ और दूसरा कौन सा हो जाएगा, इंसान। ठीक है, तो ये जो है आप आंसर में लिख देंगे इंसान। ठीक है बेटा, सो ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट, और वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपनी टीचर से चेक करवाइए। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।